सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोटू पतलू रॉन्ग हेड वाली कार्टून वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल से, और उसको क्रिएट करके कैसे आप यूट्यूब पर अपलोड करके यूट्यूब से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और गाइस, इस तरह की वीडियो के ऊपर काफ़ी तगड़ा व्यूज़ आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आपने कैसे इस तरह की वीडियो को क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कि इस तरह की वीडियो के ऊपर कितना आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की वीडियो को आपने कैसे क्रिएट करना है। सो व्यूज दिखाने के लिए देखिए, सिंपली यहाँ पे मैंने YouTube को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा हुआ है मोटू पतलू रॉन्ग हेड्स। जैसे ही मैंने ये लिख के यहाँ पे सर्च किया, उसके बाद देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो वीडियो आई हैं, अगर गाइज इनके ऊपर व्यूज़ की बात की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 9,500 व्यूज़ आए हैं इस वीडियो के ऊपर। उसके बाद नीचे चलते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 95K व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, 3 महीने पहले ये वीडियो अपलोड की गई है। उसके बाद नीचे चलते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,05,000 व्यूज इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं। उसके बाद नीचे चलते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44 मिलियन व्यूज इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं। यानी गाइज, आप समझ सकते हो कि इस तरह की वीडियो कितनी ज्यादा चलती है यूट्यूब पर। चलिए यहाँ से एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इनकी वीडियो में एक्चुअली होता क्या है। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मोटू की एक PNG इन्होंने ली हुई है। उसके बाद देखिए मोटू के जो हेड हैं उनको यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से एनिमेशन टाइप बनाया हुआ है। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को आप कैसे बनाओगे, इस तरह की वीडियो को आप कैसे क्रिएट करोगे। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपने आ जाना है बैक आने के बाद गाइस देखिए, आपने इसकी जो एडिटिंग है इसको ध्यान से देख लेना अगर आप इस तरह की वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो तो। सो गाइस देखिए, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना, आपको चाहिए PNG जिनके ऊपर आपने वीडियोज़ को क्रिएट करना है। तो PNG कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इमेज सर्च मैन। प्ले स्टोर पे आप जैसे सर्च करेंगे टॉप पर ये वाली ऐप आ जाएगी, आपने इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर्च करना कार्टून बैकग्राउंड। सो गाइस, जैसे यहाँ पे आप ये लिख के सर्च करेंगे, उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे काफी बैकग्राउंड आ जाएंगे जो कार्टून वाले हैं। सो गाइस, आपने क्या करना, आपने यहाँ से इनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना, सिंपल किसी भी एक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको ये वाला डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी ये जो इमेज है ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है मोटू PNG। सो गाइस, जैसे यहाँ पे आप ये लिख के सर्च करेंगे, उसके बाद देखिए आपके पास मोटू की जो PNG है ये यहाँ पे काफी आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली PNG को डाउनलोड करना है। जैसे कि देखिए कुछ इस तरह की आपने PNG को डाउनलोड करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पतलू की PNG, आप मोटू की डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप पतलू की डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा PNG मिल जाएंगी, तो आपने सिंपली यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी PNG डाउनलोड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को और PNG को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ से इनको डाउनलोड करने के बाद अब आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ से मैं सिंपली क्रोम को करता हूँ ओपन। जैसे यहाँ पे आप क्रोम को ओपन कर लेगे तो उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे आ जाना सर्च बार में, और यहाँ पे आपने सर्च करना रिमूव BG। जैसे यहाँ पे आप ये लिख के सर्च करोगे, फर्स्ट नंबर पर आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ देखिए आपको ये कह रहा है कि आपकी जो भी पिक्चर है उसको यहाँ पे आप दे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोटू की एक PNG ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उस PNG को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे PNG को मैंने ले लिया है, उसके बाद सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया, एक तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपकी PNG बिल्कुल क्लियर आपके पास आ जाएगी। तो क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद अब देखिए आपको यहाँ पर ये जो एडिट वाला ऑप्शन मिला है, इसके ऊपर आपने यहाँ से करना है क्लिक। जैसे यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने देखिए ये जो दरमियान में आपको इरेजर वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर कर देना है यहाँ से क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ने ये जो मोटू के साइड वाली है, ये जो इसके बाजू और इसका जो पेट आ रहा है, इसको यहाँ से आपने कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है। बस आपने इसका जो हेड है यानी कि इसका जो सर है, बस आपने उसको यहाँ पर रख लेना कुछ इस तरह से। सो गाइस, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोसेस लेगा, सो जैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से आपकी ये वाली PNG भी बन जाएगी। तो आपने यहाँ से इसको भी डाउनलोड करना है। उसके लिए देखिए ऊपर आपको यहाँ पर जो
डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसको भी जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना बैक। बैक आने के बाद गाइस देखिए आपको यहाँ पे जो अब मेन एडिटिंग होगी वो स्टार्ट होगी। तो इसके एडिटिंग के लिए आप यहाँ पे कोई भी एडिटर को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे काइन मास्टर अवेलेबल है, तो सिंपली मैं यहाँ से काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज अगर आप लोग विदाउट वाटर मार्क वाला काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ग्रुप में जाके भाई आप वहां से इजीली काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे यहां पे आप काइन मास्टर को ओपन कर लोगे तो उसके बाद आपने यहां पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का साइज लेना है सिंपल। क्रिएट के ऊपर आपने यहाँ से करना है क्लिक। जैसे यहाँ पे आप क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए जो आपने इमेज डाउनलोड की थी कार्टून बैकग्राउंड वाली उसको आपने यहाँ पे ले लेना। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस इमेज को मैंने ले लिया है। इसको लेने के बाद जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है इतना आपने यहाँ से इसको भी रख लेना है। तो अभी के लिए यहाँ से मैं इतना रख देता हूँ गाइस। उसके बाद देखिए अब आपने क्या करना, आपने देखिए यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन के क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है बेसिक इफेक्ट का, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से इसको ब्लर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको खींच के कुछ इस तरह से रख लेना है। सो गाइस इतना करने के बाद इस ब्लर वाले को भी आपकी जितनी वीडियो की लेंथ है उतना यहां से आपने इसको भी रख लेना है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करके यहां से आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जो मोटू वाली पीएनजी को आपने डाउनलोड कर रखा होगा इस तरह की, आपने उसको यहां पे ले लेना। जैसे कि देखिए यहां पे मोटू की पीएनजी को मैंने ले लिया है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए आपने इसकी पीएनजी को भी यहां से खींच के रख लेना है जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है। तो इसको मैं यहां से खींच के इतना रख लेता हूं। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना, मोटू वाली पीएनजी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक क्रॉपिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे क्रॉप करना है। देखिए जैसे कि इसका जो फेस है इसको आपने यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेना है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए अब आपने यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पिक्सआर्ट की जो एप्लीकेशन होती है इसको आपने डाउनलोड करके ओपन कर लेना। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आपने सिंपली गाइस इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे मोटू का जो सर है इसको यहाँ पे मैंने लिया हुआ, तो इसको यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसको पहले ही मैंने यहाँ पे रिमूव करके रखा हुआ है। इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। देखिए थर्ड नंबर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपने यहाँ से इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने इसके कलर यहाँ पे डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैंने इनको भी यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, जस्ट आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने इतना किया है। सो गाइस इतना करने के बाद अब आपने अगेन से आ जाना काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद देखिए जहाँ से आपका पार्ट आ रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आ रहा है, तो देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है यहाँ से लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपने यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जो मोटू वाली पीएनजी को आपने डाउनलोड करके रखा होगा पिक्सआर्ट से, जिनको भाई आपने यहाँ पे कलर किया होगा उनको आपने ले लेना। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको मैंने ले लिया। इसको इतना रखने के बाद देखिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके अगेन से लेयर के ऊपर क्लिक करके अगेन से मोटो वाला जो दूसरा हेड है इसको भी आपने यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको मैंने ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे आके अगेन से लेयर के ऊपर क्लिक करके आपने सेम वही प्रोसेस करना है। इसी तरह से आपने अपनी पूरी वीडियो को यहाँ पे कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इतना करता हूँ। इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना, आपने यहाँ पे तीन हेड को ले लिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दो तीन, उसके बाद जो चौथा हेड आपने लेना है उसके लिए लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मीडिया में जाना और ये वाला आपने ओरिजिनल इसका हेड लेना है। इसको भी आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए यहाँ से मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका एनिमेशन बन चुका है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है, जो ये हेड वाली पीएनजी है इनको भी आपने खींच के जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है इतना यहाँ से आपने इनको भी रख लेना है। तो चलिए यहाँ से इनको मैं जल्दी जल्दी इतना खींच के रख लेता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे इनको मैंने कुछ इस तरह से खींच के यहाँ पे रख लिए। इनको इतना रखने के बाद अब आपने यहाँ से आ जाना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आने के बाद देखिए जैसे कि हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन चुकी है। सो गाइस इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना, आपके ये जो एनिमेशन है यानी कि ये जो हेड है तो इनको यहाँ से आपने मूव करवाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट वाले जो ग्रीन है इसको हमने यहाँ पे एनिमेशन देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर देखिए जो कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको एक स्प्लिट लगा देना है। इसको स्प्लिट लगाने के बाद देखिए अब
अब आपने अगेन से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए साइड में आपको एक की वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा आगे आना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपने खींचना है, अगेन से की लगा के थोड़ा सा आगे आना है, इसी तरह से खींच के यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से इसको इतना रख लेना है। उसको देखिए अब यहाँ से मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो यहाँ से बनी किस तरह की है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे एनिमेशन बन चुका है। सो इतना करने के बाद देखिए जैसे कि मोटू का ये रियल फेस नहीं है तो यहाँ पे आपने क्रॉस वाला लगाना है, तो क्रॉस वाली पीएनजी भी आपको उसी ऐप से मिल जाएगी। जैसे कि गाइस देखिए यहाँ पे उस पीएनजी को मैंने ले लिया, उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपको साइड में ऑप्शन मेरा दरमियान में इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कोई एक इसको ये वाला दे देना या फिर आप ये भी दे सकते हो। सो गाइस इतना करने के बाद यहाँ से मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा दी तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है हमारी यहाँ पे वीडियो बन चुकी है। सो इसी तरह से आपने अपनी पूरी यहाँ पे जो हेड है इनको यहाँ पे आपने एनिमेशन इसी तरह से दे लेना है। सो इतना करने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है, आपने अगर अपने चैनल को मोनिटाइज करवाना है तो उसके लिए भाई ज़रूरी है आप इसमें अपना वॉइस ओवर के लिए, उसके लिए देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मेरा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपना वॉइस ओवर ईजिली कर सकते हो। वॉइस ओवर आपने क्या करना है, जैसे कि देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटू का रियल फेस कौन सा है जो इसके हेड के साथ मैच होगा। सो गाइस इस तरह से आपने इसके पीछे अपना वॉइस ओवर कर लेना, वॉइस ओवर से आपका चैनल इजीली यहाँ पे मोनेटाइज भी हो जाएगा। सो गाइस इतना करने के बाद ऊपर देखिए जो एरो का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी वीडियो को सेव कर लेना है, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद इजिली आप इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। सो आई होप गाइस आज चैनल आईडिया आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।